एवरीवन, दिस इज असावरी हियर। आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है? फर्स्ट यूनिट डीमैट अकाउंट, सेकंड यूनिट ट्रेडिंग अकाउंट एंड थर्ड यूनिट सेविंग्स अकाउंट। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए इंडिया में प्रेजेंट जितने भी ब्रोकर है, आप कहीं पे भी आपका अकाउंट खोल सकते हो। नाउ देयर आर फ्यू सजेशंस जिसके बेसिस पे आप आपका ब्रोकर चूज कर सकते हो। नंबर वन, आपका ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड और वेल ट्रस्टेड होना चाहिए। सेकेंड, जो भी सेगमेंट्स आपको वो प्रोवाइड करे वो वाइड रेंज में होने चाहिए, जैसे कि कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, आईपीओस के लिए अवेलेबिलिटी हो, या फिर एनसीडीज दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सारे सेगमेंट्स आपको अवेलेबल होने चाहिए। थर्ड, हर एक ब्रोकिंग का अपना अपना एडवाइजरी और रिसर्च टीम होता है, तो वो वेल एक्सपर्टाइज्ड हो। एंड फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, हर एक ब्रोकर का अपना अपना ट्रेडिंग ऐप होता है, वो इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू एक्सेस होना चाहिए। तो इन चार क्राइटेरिया पे आप आपका ब्रोकर चूज कर सकते हो। ना लेट्स अंडरस्टैंड इंडियन कैपिटल मार्केट में कौन से पॉपुलर मार्केट्स होते हैं। सो देर आर थ्री। वन इज कमोडिटी मार्केट, जो यूजुअली जो नेचुरल कमोडिटीज होती है, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो, मेटल्स हो, एग्जाम्पल के तौर पर कहने जाऊँ तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब का ट्रेड होता है कमोडिटी मार्केट में। सेकेंड है फॉरेक्स मार्केट, या फिर आप उसे करेंसी मार्केट भी कह सकते हो। करेंसी मार्केट में यूजुअली जो भी अलग अलग देशों की करेंसीज होती है उनके बीच में ट्रेड होता है। एंड लास्ट इज इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट इज जो भी बिजनेसेस या कंपनीज एक्सचेंज से रजिस्टर्ड की हो उनके बीच में ट्रेड होती है। इन दिस वीडियो वी आर मेनली गोइंग टू फोकस ऑन इक्विटी स्टॉक मार्केट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, देर इज दिस थिंग दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, देर इज एन आइडेंटिटी कॉल्ड सेबी। सेबी एक ऐसा रेगुलेटर होता है जो आपके साथ कोई फ्रॉड या चीटिंग ना हो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, जो आपको ब्रोकर को और एक्सचेंजेस को फॉलो करने होते हैं। यूजुअली ये जो अगर आपके अकाउंट से कोई भी अनऑथोराइज ट्रेड होता है या फिर आपके साथ कोई चीटिंग होता है, तो आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो सेबी के साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू इन्वेस्ट इन टू स्टॉक मार्केट। इसके लिए इंडिया में दो बहुत ही पॉपुलर एक्सचेंजेस है, वन इज NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकेंड इज BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एज ए न्यू कमर आप यूजुअली वंडर करते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग। तो ऐसा है कि NSE के अंदर जो 50 बेस्ट स्टॉक्स है उनको इकट्ठा करके एक इंडेक्स फॉर्म किया है, जिसे हम कहते हैं Nifty 50। सेम विद थिंग विद BSE। BSE में जो बेस्ट 30 स्टॉक्स है उनको इकट्ठा करके एक इंडेक्स फॉर्म किया है, जिसे हम कहते हैं Sensex 30। जब भी ये इंडेक्स पॉजिटिवली ट्रेड करते हैं, हम कहते हैं मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। एंड जब भी ये जो इंडेक्सेस होते हैं वो नेगेटिवली ट्रेड करते हैं, हम समझते हैं मार्केट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ऐसा है मार्केट ऊपर है तो आपके स्टॉक्स भी पॉजिटिव या फिर आप प्रॉफिट में होने चाहिए? गाइज, ऐसा नहीं होता। हर एक स्टॉक का अपना अपना अलग नेचर होता है। यूजुअली वो अगर मार्केट ऊपर भी है तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके स्टॉक्स नेगेटिव में हो। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम स्टॉक टू स्टॉक। नाउ इन दिस इक्विटी स्टॉक मार्केट देर आर टू सेगमेंट्स, वन इज कैश सेगमेंट एंड सेकेंड इज डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव सेगमेंट में यूजुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। वाइल इन्वेस्टिंग इन टू स्टॉक मार्केट देर आर यूजुअली टू अप्रोचेस। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। पहले समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट आप कंपनी का बैकग्राउंड चेक करते हो कि कंपनी कौन से बिजनेसिस में है, कंपनी की मैनेजमेंट कौन है, कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है। वैल्यूएशंस मतलब इसमें कुछ रेशियोज होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि पीई रेशियो। पीई रेशियो आपको बताता है कि ये स्टॉक आपको ओवर प्राइस या फिर अंडर प्राइस में मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि कंपनी कितने कर्जे में है। फिर रिटर्न्स ऑन इक्विटी होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, ये सारे रेशियोज होते हैं जिसके बेसिस में आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत आसानी होती है। देर इज ऑल्सो थिंग कॉल्ड फाइनेंशियल हेल्थ। अगर कंपनी के जो रिजल्ट होते हैं, हम उसका सेल्स, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये हम सब चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि कंपनी पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंट प्रॉफिट या फिर ग्रो कर रही है या नहीं। तो यहाँ से हमें ये सारी फाइनेंशियल हेल्थ की बातें पता चलती है।
यूजुअली जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ये लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से किया जाता है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी. ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेस के साथ बीएससी और एनएससी पे अवेलेबल होती है. एवरी ईयर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आता है और ऑडिट भी आता है जो वहां पे अवेलेबल होता है. यू कैन गो एंड चेक इट ओवर देयर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? तो टेक्निकल एनालिसिस में जो स्टॉक्स का पिछला प्राइस परफॉर्मेंस है उनके चार्ट्स होते हैं. हम उसे स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट हो गया, फिर बार चार्ट, लाइन चार्ट, हाइको चार्ट. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट. यहाँ पे यूजुअली हम जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. यहाँ पे आप बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाते हो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाते हो जिसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो. देर आर मेनी टूल्स जो आप यूज कर सकते हो फॉर फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन, जैसे कि मूविंग एवरेज होता है. सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो. फिबोनाची रिट्रेसमेंट है. देर आर मेनी टूल्स. एज अ न्यू कमर इन द मार्केट आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली अर्न कैसे करते हैं, वॉट आर द टाइप्स जिसमें आप अर्न कर सकते हो. तो आप दो चीजें कर सकते हो, आप एक तो ट्रेड कर सकते हो या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. पहले हम ट्रेडिंग की बात करते हैं. ट्रेडिंग दो तरह से होती है, एक होता है इंट्राडे, एक होता है पोजिशनल. इंट्राडे में यूजुअली आपने आज लिए हुए शेयर्स आप आज ही सेल करते हो, मतलब एक दिन का जो भी ट्रेड करते हो उसे आप इंट्राडे कहते हो. पोजिशनल मतलब एक दिन से ज्यादा और 30 डेज तक का जो ट्रेड होता है, इन बिटवीन 30 डेज कभी भी आप सेल करते हो उसे आप पोजिशनल ट्रेड कहते हो. इंट्राडे में यूजुअली आपको मार्जिन अच्छी मिलती है और ये मार्जिन, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक स्टॉक पे इक्वल मार्जिन मिले. इट डिपेंड स्टॉक टू स्टॉक. अगर आपका स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है तो उसमें आपको अच्छी मार्जिन मिल जाती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट करने के लिए देर आर टू थिंग्स, थ्री थिंग्स इन टोटल दैट यू शुड अंडरस्टैंड. फर्स्ट, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो आपके पोर्टफोलियो में, आप एक ही स्टॉक में या फिर एक ही सेक्टर में ना इन्वेस्ट करें. आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें. आपका रिस्क मैनेज करने में बहुत ही काम आएगा. सेकेंड, आपका कैपिटल जो है वो अप्रिशिएट होना चाहिए, यानी कि ग्रो होना चाहिए. थर्ड, जो भी डिविडेंड या फिर बोनस देने वाले कंपनीज है रेगुलर बेसिस पे, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो. डिविडेंड इज नथिंग बट जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो एंड में इन्वेस्टर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम डिविडेंड कहते हैं. एज अ न्यू कमर इफ यू आर वंडरिंग कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं आता, टेक्निकल भी नहीं आता, व्हाट आर वी सपोज टू डू, तो गाइज फर्स्ट ऑप्शन फॉर यू इज यू हैव टू लर्न. अगर आप इसे पार्ट टाइम इनकम के तौर पे कंसिडर करना चाहते हो, और एटलीस्ट इफ यू आर अर्निंग, इफ यू आर थिंकिंग टू अर्न, आपको एजुकेशन में शॉर्ट इन्वेस्ट करना चाहिए. आप जो भी सेबी रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर एनएससी बीएससी के साइट्स पे भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप वो कर सकते हो, या फिर आप बुक्स रीड करके आपकी नॉलेज बढ़ा सकते हो. सेकेंड ऑप्शन इज आपके जो भी ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर आपको सजेशंस देते हैं आप किसमें ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप उनके सजेशंस फॉलो कर सकते हो. बट गाइज हियर डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द यू नो सजेशंस दैट दे गिव, इट कैन मिसलीड यू. तो उसके पीछे का रीजन जान लीजिए. इससे एक तो आप में कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकेगा, एंड सेकेंड किस क्राइटेरिया पे बाइंग होती है या फिर किस क्राइटेरिया पे लोग ट्रेड लेते हैं इसकी समझ आपको आ जाएगी. तो इन फ्यूचर यू कैन एक्चुअली ट्रेड ऑन योर ओन और यू कैन लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट. एंड थर्ड ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स. जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपके बिहाफ पे आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं. तो यू कैन इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी में आप पैसा लगाते हैं. सो इनडायरेक्टली ऐसा होगा कि यू आर इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी स्टॉक मार्केट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. यूजुअली लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर जाते हैं, उन्हें लगता है पैसे उनके सारे डूब जाएंगे. येस, देर आर क्वाइट अ चांसेस आपको आपके पैसे डूब जाए या फिर आपको लॉस हो जाए, बट यू नो इट कैन बी कंट्रोल्ड. अगर आप रिस्क मैनेज अच्छे से करते हो, देर आर मेनी चांसेस या फिर देर आर मेनी पॉइंट्स जिससे आप आपका कैपिटल सेव कर सकते हो. एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी. स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस नाम की एक चीज होती है. यू हैव 100 रुपीज, 100 रुपीज का आपने एक स्टॉक ले लिया, बट आपका कंसर्न है मैं 10% का ही रिस्क लूंगा, 90% कैपिटल मेरा सेफ होना चाहिए.
₹100 का 10% मतलब ₹10, अब ₹90 पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो इनकेस अगर आपका स्टॉक नीचे आता है तो आपका स्टॉक ₹90 पे सेल हो जाएगा, आपका ₹90 का जो कैपिटल है 90% का कैपिटल है वो सेफ रहेगा। तो इस तरह से आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। दूसरी बात, यूजुअली लोग स्टॉक मार्केट में जो नए होते हैं वो डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको पहले मार्केट समझना चाहिए और उसके बाद ट्रेड लेने स्टार्ट करने चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। पहले छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें एंड ग्रेजुअली जैसे आपको मार्केट समझ में आने लगे आप अमाउंट बढ़ा सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिसकंसेप्शन। दिस इज लाइक स्टॉक मार्केट में जब भी लोग आते हैं लोग ये मिसकंसेप्शन से आते कि हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। गाइज ऐसा नहीं होता। इन स्टॉक मार्केट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड हाई रिस्क के साथ आते हैं हाई रिटर्न्स, लोअर रिस्क के साथ आते हैं लो रिटर्न्स। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो ऑफकोर्स आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, बट यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नो डाउट जो स्टॉक मार्केट होता है वो आपके इन्फ्लेशन को बीट करता है, यानी कि महंगाई को भी बीट करता है। आपके जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट से आपको जो रिटर्न्स आते हैं या फिर FD से आते हैं, पोस्ट ऑफिस से आते हैं, उससे रिटर्न्स यहाँ पे ज्यादा ही आते हैं। मगर अगर आप राइट स्क्रिप्ट पे राइट टाइम पे इन्वेस्ट करो तो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप राइट स्क्रिप्ट पे राइट टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। सेकेंड, जो भी आपको मार्केट नॉइजेस होते हैं, कोई ऐसे कहता है कि अरे मुझे अंदर की खबर है आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, या फिर इन शॉर्ट जो भी मार्केट नॉइजेस होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। जो भी चीजें आपको पता है या फिर जो एक्सचेंज के थ्रू आती है या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से आती है उसे ही उस पर ही बिलीव करना चाहिए। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो भी आपको फोन कॉल्स आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं कि सर आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, गाइस डू नॉट फॉल फॉर इट, इट इज यूजुअली द फ्रॉड। उससे अच्छा अगर आपको सजेशंस की जरूरत ही है तो सभी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं आप उनकी सजेशन कंसिडर कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।